हे एवरीवन, वेलकम टू माय फाउंडेशन क्लासेस यूर एनी टाइम क्लासरूम। तो गैस अभी चल रहा है हमारा बिहार ESI यानी इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का टेस्ट सीरीज, ठीक है। इसी सीरीज में आज हम लोग करने जा रहे हैं एक और सेट। और अगर आप चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दो यार। और जो भी आपके फ्रेंड्स हैं सबको बुला लो जल्दी से, ताकि हम लोग सब मिल के सेट शुरू कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेट। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, रेपो दर वह दर है जिस पर, रेपो रेट क्या होता है। देखो दो तीन चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है, CRR, ये सब हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ बताओ रेपो रेट क्या है, चलिए आंसर करो। तो रेपो रेट वह रेट है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक अन्य बैंकों को ऋण देता है। तो आपका सी ऑप्शन सही है, ठीक है। करंट रेट क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो ये सब जो कोरोना का क्राइसिस हुआ है, ठीक है, इसके बाद बहुत सारे चेंजेस हुए हैं, तो फाइनेंशियली भी बहुत सारा चेंजेस हुआ है, तो अभी आपका सब चीज़ चेंज हुआ है। और सबसे बड़ी बात CRR जो बहुत दिनों से चेंज नहीं हुआ था वो भी चेंज हुआ है, और ये एक साल के लिए चेंज किया गया था। एक बार आप रेट सारा देख लो, ठीक है। रेपो रेट कितना है आपका, रेपो रेट है अभी 4.4%, ठीक है, और अभी तक का शायद ये लोएस्ट में से एक है, ठीक है। उसके बाद रिवर्स रेपो रेट का अगर बात करेंगे तो रिवर्स रेपो रेट कितना है, यानी RRR में इसको लिखता हूँ, रिवर्स रेपो रेट ये कितना है, ये है 4%, 4.4 रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट 4%। और CRR आप याद रखो, CRR ये कितना है, CRR अभी 3% हो गया, इससे पहले 4% था, 100 पॉइंट्स इसमें कम किए गए हैं और अब ये 3% हो गया है, जो कि बहुत लोएस्ट है, ठीक है, अभी तक के इतिहास में। और इसके साथ ही एक और रेट आपको याद रखना है, वो है बैंक रेट। बैंक रेट अभी कितना है, ये 5.4%, ठीक है। तो ये सारे रेट्स हैं जिसको आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियां बेचने पर निम्न में से क्या होता है। तो RBI अगर खुले बाजार में प्रतिभूतियां यानी शेयर्स अगर बेचती है, शेयर्स और स्टॉक्स बेचते हैं, तो क्या होता है, क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी। क्या होगा, मुद्रा की आपूर्ति घट जाएगी अगर RBI खुले बाजार में शेयर्स को बेचती है, और फिर अगर खरीदेगी तो मुद्रा की जो आपूर्ति है वो मार्केट में बढ़ जाएगी। तो इन्फ्लेशन और डिस इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड किसका नाम है। नाबार्ड एक कैसा बैंक है, आप जानते हो नाबार्ड कैसा बैंक है। तो नाबार्ड कृषि सहायक विशिष्ट बैंक है, कैसा बैंक है, कृषि सहायक विशिष्ट बैंक। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत नोट जारी करने वाले एकमात्र प्राधिकारी के रूप में भारतीय रिजर्व बैंक को कम से कम कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जल्दी बताओ। न्यूनतम आरक्षण प्रणाली के अंतर्गत जब भी RBI नोट जारी करती है तो इसको अपने पास कितने मूल्य की परिसंपत्तियां रखनी होती है, कितनी परिसंपत्तियां है, वो है 200 करोड़ रुपए। कम से कम 200 करोड़ रुपए RBI के पास रिजर्व रहना चाहिए, चाहे ये गोल्ड के फॉर्म में हो, फॉरेन करेंसी के फॉर्म में हो, जिस भी फॉर्म में हो, ठीक है, इसको ये रखना पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस बैंक द्वारा किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दीर्घकालीन वित्तीय सहायता किसानों को किसके द्वारा दी जाती है, ये आपके भूमि विकास बैंक के द्वारा, किसके द्वारा, भूमि विकास बैंक के द्वारा। अब यहाँ पे देखो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूज़न होगा कि आपका आंसर नाबार्ड होगा या भूमि विकास बैंक होगा, यहाँ पे कन्फ्यूज़न होना आपका लाजमी है, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना है कि नाबार्ड जो है यह डायरेक्टली आपको कभी भी लोन नहीं देगी, ठीक है, नाबार्ड का ये काम नहीं है। नाबार्ड क्या करती है, यह किसी इंस्टीट्यूशन को लोन देती है, ठीक है, कोई भी इंस्टीट्यूशन हो जो ग्रामीण विकास के लिए काम कर रहा हो या जो भी इस तरह की चीज़ें हैं, आपको उसमें नहीं पढ़ना है, बस आपको याद रखना है कि डायरेक्टली आपको लोन नाबार्ड से नहीं मिलता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा किया जा रहा है किसानों को दीर्घकालीन वित्तीय ऋण कौन प्रदान करता है, तो यह भूमि विकास बैंक। अच्छा, नाबार्ड ऊपर भी आया, मैंने वहाँ पे शायद आपको इसकी स्थापना नहीं बताई है, इसका स्थापना कब हुआ ये आपसे पूछा जाता है, तो 1982 में, ठीक है, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई है। और अभी इसका चेयरमैन कौन है, चेयरपर्सन ये हर्ष कुमार बनवाला शायद, ठीक है, आप एक बार इसको चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है, भारत में भारतीयों द्वारा वर्ष 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, आज आपको सारा क्लियर कर लेना, ठीक है। तो सही आंसर जल्दी बताओ क्या है इसका सही आंसर, इसका सही आंसर है आपका अवध कमर्शियल बैंक।
अब यहाँ से मैंने क्यों बोला कन्फ्यूजन होता है, अगर पूछा जाए भारत का प्रथम बैंक कौन सा था, ये था आपका हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। कौन सा था? हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक। इसकी स्थापना 1770 में हुई। याद रखना जो मैं बोल रहा हूँ, अगर गलती तुम लोग एग्जाम में करके आओगे तो फिर मैं मार के हड्डी तोड़ दूंगा तुम लोग का, सोच लो। तो हिंदुस्तान कमर्शियल बैंक ये 1770 में स्थापित प्रथम भारतीय बैंक था, लेकिन भारतीयों के द्वारा विथ लिमिटेड पावर्स, ठीक है। ये कौन सा बैंक था? ये था अवध कमर्शियल बैंक, जिसकी स्थापना 1881 में हुई। अगर प्योरली मतलब फुल्ली भारतीयों के द्वारा स्थापित बैंक आपसे पूछा जाए तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक, इसकी स्थापना 1895 में हुई, ठीक है। ये तीन चीजें हैं जिसको आपको बहुत ही अच्छे तरीके से याद रखना है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह बैंक कौन सा है जिसका नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? तो किस बैंक का नाम एक नदी के नाम पर रखा गया है? ये बैंक है आपका, जल्दी बताओ कौन सा बैंक है वो? वो बैंक है वारदा ग्रामीण बैंक। कौन सा है? वारदा ग्रामीण बैंक, जो आपको यहाँ पे बी ऑप्शन में दिख रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष क्या है? हम लोग के आरबीआई का जो फाइनेंशियल ईयर है वो क्या है? वो है आपका जुलाई से जून, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों को अपने रोकड़ शेष और कुल परिसंपत्ति के मध्य एक निश्चित अनुपात रखना पड़ता है, इसे क्या कहा जाता है? चलिए बताओ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ भी है, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे तो मैंने बताया हुआ है कि आपका आंसर क्या हो सकता है, आप जल्दी से पकड़ लो, क्योंकि CRR और SLR ये दो ही चीज़ें हैं जिसको आपको याद रखना है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा SLR, ठीक है। मैंने बताया हुआ था SLR क्या होता है, ये होता है स्टेटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है। यानी ये होता है कुछ ऐसा अमाउंट जो RBI के द्वारा फिक्स किया जाता है, जो बैंकों को अपने पास रखना होता है अपने टोटल कैपिटल का। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का निर्गमन विभाग सभी छापे गए नोटों के विरुद्ध डैश अपनाता है। तो अभी ऊपर मैंने इसको बताया हुआ है इनडायरेक्टली, जल्दी बताओ RBI जो भी नोट छापती है उसके विरुद्ध कौन सा प्रणाली अपनाती है? तो ये आपका न्यूनतम आरक्षण प्रणाली, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण निम्न में से किस उद्देश्य के लिए किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस उद्देश्य के लिए किया गया था, जल्दी बताओ क्या उद्देश्य था? तो इसका उद्देश्य था धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए। यानी कहीं पे ऐसा ना हो कि जो एक बैंक है, ठीक है, बैंक अपने आप में ही सारे धन को है जो वह कलेक्ट करते जाए, और ये एक तरह से आप बोल सकते हो ना एक जगह सेंट्रलाइज धन हो जाएगा इस तरह से। तो इसलिए अब बैंकों का केंद्रीकरण किया गया ताकि एक मॉडल बनाया जाए और सभी बैंकों को उस हिसाब से काम करना होगा, ठीक है। कब किया गया था? 1969 में पहली बार राष्ट्रीयकरण किया गया था, 14 बैंक इसमें शामिल थे, इंदिरा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1921 में बंगाल, चेन्नई और मुंबई के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाकर एक नया बैंक बनाया गया था, बाद में उसका राष्ट्रीयकरण किया गया, उस समय उस बैंक को नया नाम भी दिया गया था, वह नाम क्या था? तो क्वेश्चन बड़ा है पर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ क्या नाम था उसका? उसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और बाद में ये 1955 में इसी इंपीरियल बैंक को क्या नाम दिया गया? SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ से आपको याद रखना है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में तीन जगह के प्रेसिडेंसी बैंकों को मिलाया गया था, वो है बंगाल, चेन्नई और मुंबई, और इसकी स्थापना कब हुई इंपीरियल बैंक की? 1921 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण द्वारा बनी प्रतिबिंब कैसी होती है? समतल दर्पण यानी प्लेन मिरर के द्वारा प्रतिबिंब यानी इमेज कैसा होता है? कैसा होता है? यह हमेशा आभासी होता है। कैसा होता है? आभासी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दंत चिकित्सक का दर्पण, दंत चिकित्सक यानी दांत वाले डॉक्टर का दर्पण यानी मिरर जो होता है उसके पास जो वो यूज करते हैं वो कैसा होता है? वो होता है अवतल दर्पण, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मोटर वाहनों के पीछे का दृश्य देखने हेतु क्या हम लोग यूज करते हैं? आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ, ये आपका उत्तल दर्पण। यहाँ पे अवतल से आप कन्फ्यूज मत करना, क्योंकि मोटर गाड़ी में जो शीशा लगा हुआ होता है, ठीक है, उसमें हमको दूर तक का जो डिस्टेंस है वो कवर करना होता है, इस कारण से हम लोग क्या यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, तीन प्राथमिक वर्ण यानी कलर क्या क्या है? तो तीन प्राथमिक कलर है आपका नीला, हरा व लाल। अगला क्वेश्चन है, कैमरे का कौन सा भाग मानव नेत्र के दृष्टि पटल या रेटिना से सदृश है? यानी हमारा जो रेटिना है वह कैमरे के किस भाग के बराबर है? यह कैमरे के फिल्म के बराबर है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? श्रीलनेस, जो स्त्रियों का जो वॉइस है वो ज़्यादा श्रील होता है मेल के रेस्पेक्टिव में, तो आपको ये बताना है उसका कारण क्या है। क्या है उसका कारण? उसका कारण है उच्च आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी के कारण ही ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि का अधिकतम वेग होगा, ध्वनि का अधिकतम वेगा नहीं वेग होगा, कहाँ होगा ध्वनि का सबसे ज़्यादा वेग? तो आपका इस्पात में, ठीक है, इस्पात में ध्वनि का वेग अधिकतम होता है। अगला क्वेश्चन है, मैक संख्या का संबंध किसी से, मैक नंबर का संबंध किससे? यह है वायुयान के वेग से, ठीक है। मैक संख्या आप जानते हो, इसको जो साउंड का स्पीड है उससे कंपेयर करके निकाला जाता है, और जनरली जो आपका वायुयान है उसकी स्पीड को कंपेयर किया जाता है मैक संख्या में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना है, यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, तो कौन सा युक्ति अपनाएंगे? ये आपका विद्युत मोटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का परिवर्तन कैसा होता है? ये अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा का कन्वर्शन कैसा होता है? कैसा होता है? विद्युत से यांत्रिक, ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल, उसके बाद ध्वनि में, ठीक है, इसको याद रखना, सबसे पहले इलेक्ट्रिक से मैकेनिकल में जाता है और उसके बाद साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? यांत्रिक ऊर्जा को यानी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस चीज़ की मदद से? तो ये आपका डायनमो से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या है? यह आपका, जल्दी बताओ, फ्यूज का कार्य क्या है? ओवरलोडिंग या लघुपतन यानी शॉर्ट सर्किट की स्थिति में जो सर्किट है आपका उसको ब्रेक करने के लिए आप क्या लगाते हो? फ्यूज। अगला क्वेश्चन है, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? यह होती है 10^-10 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरेनियम 235 नाभिक यानी न्यूक्लियस में क्या होता है? यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस में क्या होता है? क्या होता है? प्रोटॉन व न्यूट्रॉन के बल संख्या 235 होता है। अगर यूरेनियम 235 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? यूरेनियम के न्यूक्लियस में जो टोटल प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर है वो है 235, क्योंकि यहाँ पे 235 रिप्रेजेंट करता है आपका एटॉमिक मास, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थाई बंदोबस्त करवाए थे? तो बंगाल और बिहार के बीच में अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ये किया था कर्नवालिस ने, ठीक है। कब किया था? 1793 ईस्वी में, ठीक है। और अगर यहाँ से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, अस्थाई बंदोबस्त जो पद्धति है वो बनाया किसके द्वारा गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। यह जॉन सोर के द्वारा बनाया गया था, ठीक है, सर जॉन सोर ने इसको बनाया था और लागू किया था कर्नवालिस ने, क्लियर है। इसमें क्या रहता था? इसमें देखो, जमींदार को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था कि आप उस एरिया का जो टैक्स है वह जो कलेक्ट है वो करो, ठीक है, और फिर आप जमा करवा दो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। तो इसके लिए 1:10 के रेशियो में, ठीक है, 1:10 के रेशियो में जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो रखा गया था, यानी 10 भाग दिया जाना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को जमा करना था जमींदारों को, और 1 भाग अपने पास रख लेना था खर्च के रूप में, ठीक है। यहाँ से 2 बातें आपको समझनी चाहिए, कई बार आपको 1:10 जो है या 1/11 के फॉर्म में रहेगा या 1/10 के फॉर्म में भी कई जगह मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अगर 1/11 है तो आपका एग्जैक्ट वही होगा, ठीक है, क्योंकि 1:10 के रेशियो में दिया गया था। यहाँ पे कन्फ्यूज़न बहुत जगह है, बहुत सारे बुक में भी आपको अलग अलग डाटा मिलेगा। अगर आप इसका निकालो कि जमींदार के पास कितना रहता था, तो टोटल 1/11 हो जाएगा, ठीक है। तो 1/10 का कोई ऑप्शन नहीं है। अगर 1/10 यहाँ पे रहता तो आपका कितना होना चाहिए था? 1:9, ठीक है। तो बहुत जगह ये कन्फ्यूज़न है। अगर परसेंटेज के फॉर्म में लिखा रहता है तो आपका 10% लिखा रहता है, 10% का मतलब हुआ 1:9 के फॉर्म में रहना चाहिए। तो अलग अलग जगह आपको अलग अलग आंसर मिलेगा, कहीं 1/10 मिलेगा, कहीं 1/9 मिलेगा, कहीं 1/11 मिलेगा। तो इसको आपको जो भी ऑप्शन में मिले तीनों में से कोई एक, तो आप मार के आगे निकले हो, क्योंकि तीनों में से कोई एक ही आपको मिलेगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखना।
अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया था? तो हड़प्पा सभ्यता किसके द्वारा नामित किया गया था? यह क्या गया था? डॉक्टर एस आर रॉ के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो भारतीय संगीत का चर्चा आपको कहाँ मिलता है? ये मिलता है सामवेद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है? गायत्री मंत्र या सावित्री देवी या सूर्य देवी गायत्री को संबोधित है, किस चीज में आपको ये मिलता है? तो कहाँ मिलता है ये? ये मिलता है आपको ऋग्वेद संहिता में। अगला क्वेश्चन है, तोलक्का पीएम है, तोलक्का पीएम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इतिहास से आपका याद रखना, तोलक्का पीएम क्या है? तोलक्का पीएम क्या है, जल्दी बताओ क्या है तोलक्का पीएम? तो यह आपका तमिल व्याकरण की किताब है तोलक्का पीएम, और इसको लिखा किसके द्वारा गया था? तोलक्का पियर। ठीक है, तोलक्का पीएम, तोलक्का पियर, आपको याद रखने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी? यानी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किसने ट्रांसफर किया था? किसने किया था? ये किया गया था उदयन के द्वारा। ठीक है, और पाटलिपुत्र शहर जो है वो अभी उदयन ने ही बसाया था। अगला क्वेश्चन है, महावीर तीर्थंकर नाम से जाने जाते थे, यानी महावीर कितनवे तीर्थंकर के नाम से जाने जाते थे? कितनवे तीर्थंकर थे जैन धर्म के? ये थे 24वें तीर्थंकर और आखिरी तीर्थंकर। अगला क्वेश्चन है, जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? तो जैन दो भागों में बट गया था दिगंबर और श्वेतांबर के रूप में, आपको ये बताना है ये अलगाव कब हुआ था, कब हुआ था? ये हुआ था चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? कण्व राजवंश का संस्थापक कौन था? तो ये था वासुदेव कण्व, वासुदेव कण्व ने कण्व वंश की स्थापना की। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया? तो कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है, जल्दी बताओ कौन सा है वो? तो वो है आपका महरौली प्रशस्ति, इसको हम लोग लौह स्तंभ के रूप में भी जानते हैं। आपसे पूछा जाता है लौह स्तंभ कहाँ स्थित है, ठीक है, या किस स्तंभ को हम लोग लौह स्तंभ के रूप में जानते हैं? तो यह है महरौली स्तंभ, ठीक है, या महरौली शिलालेख या महरौली प्रशस्ति, ये आपके दिल्ली के पास स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसको माना जाता है? महावीर को, लेकिन जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? ऋषभदेव ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत सम्यक धारणा सम्यक चरित्र और सम्यक ज्ञान किस धर्म महिमा है, जल्दी बताओ किस धर्म में इसको अपनाया गया था? ये अपनाया गया था जैन धर्म में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? शून्यवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? नागार्जुन माने जाते हैं शून्यवाद के प्रवर्तक। अगला क्वेश्चन है, युगादि नववर्ष पर्व है, युगादि किनका नववर्ष पर्व है, जल्दी बताओ युगादि, युगादि किनका है? यह है गुजरातियों का नववर्ष पर्व। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक पैगोडा के नाम से कौन से मंदिर को जाना जाता है? ब्लैक पैगोडा, ब्लैक पैगोडा के नाम से कोणार्क का सूर्य मंदिर जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मंदिरों की उत्तरी शैली किस नाम से जानी जाती है? भारत के उत्तरी क्षेत्र में जो मंदिरों का शैली है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो नागर शैली। ठीक है, तीन शैली है, नागर, बेसर और द्रविड़, उत्तर में नागर, दक्षिण में द्रविड़, और दोनों का मिक्स्ड रूप जो है वह है बेसर। अगला क्वेश्चन है, वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है, किससे संबंधित है? यह राजीव गांधी की जो पुण्य घाट है वह है वीरभूमि। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है? अंकोर वाट कहाँ अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? कंबोडिया में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसे कहा जाता है? पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता किसको माना जाता है? यह माना जाता है अलेक्जेंडर कनिंगम को। किसको माना जाता है भारतीय पुरातत्व विज्ञान का जन्मदाता? अलेक्जेंडर कनिंगम को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी? 10+2+3 इसका मतलब आप अभी जान रहे हो, टेंथ आप करते हो, फिर 2 साल का इंटरमीडिएट कोर्स करते हो, उसके बाद 3 साल का ग्रेजुएशन कोर्स करते हो, तो इस आकार की सिफारिश किसने की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, चलिए बताओ किसने किया था, ये किया था कोठारी आयोग ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उर्दू किस भाषा का शब्द है?
उर्दू जो आप जान रहे हो, यह उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो यह तुर्की भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको यहाँ से याद रखना, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की लिपि ब्राह्मी थी। अब यहाँ पे ब्राह्मी क्यों हुआ? क्योंकि अशोक के शिलालेख तो और भी लिपियों में पाए गए, जैसे खरुष्टी में भी पाया गया है, अरमाइक में भी पाया गया है, ठीक है। तो ब्राह्मी हम लोगों ने क्यों लिया? एक तो सबसे पहले और ऑप्शन में है नहीं आपका, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम जो शिलालेख पाए गए हैं वह ब्राह्मी लिपि में ही पाया गया है। इस कारण से आप बोल सकते हो, अगर चारों में से भी अगर आपको चुनना होगा तो आप ब्राह्मी चुनोगे, ठीक है। ऐसे चार लिपियों में मिला है अशोक का शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी? तो कौन थी दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका? ये थी प्रतिमा पुरी, ठीक है। दूरदर्शन का स्थापना कब हुआ? ये हुआ 1959 में, याद रखना, पूछा जाता है। अच्छा, दूरदर्शन की पैरेंट कंपनी कौन सी है, किसके अधीन ये काम करती है? तो प्रसार भारती के अधीन, ठीक है। अच्छा, एक बात और मुझे यहाँ से बताओ, दूरदर्शन का जो मोटो है, ठीक है, वो क्या है? जो मोटो इसका है वो आप सभी कभी ना कभी गुनगुनाते रहते हो, वो तीन वर्ड का है, जल्दी बताओ, किसी को अगर पता है तो मोटो क्या है? वो है सत्यम शिवम सुंदरम। कौन नहीं जानता है, लेकिन ये आपको पता होना चाहिए कि ये दूरदर्शन का भी मोटो है, ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम। अगला क्वेश्चन है, विश्व में डाकघरों का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो कौन सा देश है वो? वो देश है भारत, जहाँ पे डाकघरों का सबसे बड़ा जाल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय क्या होता है, जल्दी बताओ, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? तो प्रति व्यक्ति आय होता है राष्ट्रीय आय अपॉन कुल जनसंख्या, ठीक है, टोटल नेशनल इनकम अपॉन, अगर आप जितना भी पॉपुलेशन है उसे अगर आप डिवाइड कर देते हो टोटल नेशनल इनकम को, तो आपको क्या मिलेगा? प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यू आकार का वक्र कौन सा है? यानी यू शेप का जो कर्व है वह किसका होता है? ये आपका औसत लागत और सीमांत लागत दोनों का होता है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। थोड़ा सा आपका शेप में अंतर होगा। देखो, यू आकार होने का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप कॉस्ट और क्वांटिटी का ग्राफ लोगे, ठीक है, इनिशियल में आपका क्या होता है, क्वांटिटी कम होता है लेकिन कॉस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, क्वांटिटी बढ़ता जाता है और मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट जो है वह घटता जाता है। फिर एक टाइम आकर थोड़ा सा स्टेग्नेंट हो जाता है, यानी क्वांटिटी तो आपका बढ़ता जाएगा लेकिन मार्जिनल कॉस्ट या एवरेज कॉस्ट वह मिनिमम पे रहता है। फिर अब जब मार्केट आपका स्टेबल हो जाए उसके बाद क्या होता है, अब मार्केट गिरना चालू होता है, यानी आपके सामान का जो डिमांड है वो कम होने लगता है। इसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको जो मार्केट में आप जिस दाम पे बेच रहे थे वो आपको घटाना होगा। इसके कारण से क्या होगा, एवरेज कॉस्ट जो है या मार्जिनल कॉस्ट वो फिर से बढ़ने लगता है, ठीक है। इस कारण से आपका जो शेप बन जाता है फाइनली वो यू शेप बन जाता है। तो आपका यहाँ पे आंसर औसत लागत और सीमांत लागत दोनों हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? पूंजी प्रधान उद्योग का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? यह है आपका इस्पात उद्योग, यानी एक ऐसा उद्योग, इन चारों में से आपको बताना है एक ऐसा उद्योग जहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में कैपिटल चाहिए यानी पैसा चाहिए, तो वो है आपका इस्पात उद्योग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के भुगतान संतुलन को किसके द्वारा ठीक किया जाता है? भारत के भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको किसके मदद से ठीक किया जाता है? तो क्या क्या है आपका ऑप्शन, मुद्रा अवमूल्यन, प्रबल निर्यात संवर्धन, आयात प्रतिस्थापन, उपर्युक्त सभी। तो आपका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी, ठीक है। भुगतान संतुलन मतलब हो गया बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब ये क्या होता है, ये देखो जितना भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, इन शॉर्ट आप ये बोल सकते हो, उन सभी का जो आप लेखा जोखा रखते हो उसी को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स बोलते हैं, ठीक है। इसमें इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को कैलकुलेट किया जाता है। तो अगर इसमें गड़बड़ी आया है तो इसमें से कोई भी स्टेप हम ले सकते हैं या सभी को हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोल्डन हैंडशेक स्कीम किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, गोल्डन हैंडशेक स्कीम, तो यह स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से संबंधित है, वॉलंटरी रिटायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू की गई है? कैसा आपात स्थिति है वो? वो है आपका आंतरिक आपात स्थिति, ठीक है। यह भारत में मात्र एक बार लागू हुआ है, और वो कब हुआ है? वह हुआ है 1975 में, और 77 तक ये चला था, ठीक है।
अच्छा, ये आंतरिक आपात स्थिति यानी जो इंटरनल प्रॉब्लम के कारण लगाया जाता है, ठीक है, वो है। और दूसरा है आपका बाह्य आपात स्थिति, ठीक है। ये अभी तक दो बार लगा हुआ है, एक 1962 में, ठीक है, और एक 1971 में। 62 में जो लगाया गया था वो 68 तक चला था, और ये चाइना के साथ जो प्रॉब्लम हुआ था अरुणाचल प्रदेश एरिया में, ठीक है, तभी लगाया गया था। और 71 में लगाया गया था, 77 तक ये चला था। ये पाकिस्तान के कारण जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें लगाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? मूल अधिकारों से संबंधित मामला, तो ये कौन सा था? ये था गोलकनाथ बनाम पंजाब मामला, ठीक है। ये था मूल अधिकारों से संबंधित मामला। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? जल्दी बताओ, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो ये करते हैं राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो ऑप्शंस थोड़ा लेंदी है, लेकिन पढ़ो आप, जल्दी बताओ पढ़ पढ़ के इसमें कौन सा सही नहीं है। एक तरफ से चलो तुम्हारे लिए मैं पढ़ देता हूँ। पहला है आपका, राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 30 वर्ष अवश्य पूरी होनी चाहिए, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई। दूसरा है, लोकसभा में निर्वाचन के लिए 25 वर्ष, ये भी सही है। तीसरा है, राज्य विधानसभा में निर्वाचन के लिए 21 वर्ष, ये तो गलत है ना। 21 वर्ष तो आपके पंचायत में है, रेस्ट सब जगह 25 और 30 आपका है, ठीक है, तो आपका ये गलत हो जाएगा। और डी आपका, वोट देने का अधिकार है 18 वर्ष, ये भी सही है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रधानमंत्रियों का निम्नलिखित में से कौन सा कालानुक्रम सही है? अब यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि प्रधानमंत्री किस ऑर्डर में बने हैं, तभी आप इसको मैच कर पाओगे। चलो जहाँ तक आपको पता है एक तरफ से स्टार्ट करो। सबसे पहले तो आपको पता है जवाहरलाल नेहरू बने थे, यानी दो नंबर आपका सबसे पहले आना चाहिए, तो डी और ए खत्म हो जाएगा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन बने थे ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा देखो, अगर आप देखोगे एक ऑर्डर में, तो जवाहरलाल नेहरू पहले बने थे, उसके बाद गुलजारी नंदा जो एक्टिंग पीएम थे, ठीक है, उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री बने थे, ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री के बाद कौन बने थे? गुलजारी नंदा फिर से एक बार एक्टिंग बने थे, एक्टिंग पीएम। उसके बाद आपके इंदिरा गांधी आ गई थी, यानी जवाहरलाल नेहरू के बाद इंदिरा गांधी होना चाहिए, यानी एक होना चाहिए। तो इसमें से दो के बाद तीन है, यानी आपका सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद इंदिरा गांधी, ठीक है, उसके बाद मोरारजी देसाई, उसके बाद चौधरी चरण सिंह, ठीक है। आप एक बार सारे का लिस्ट देख लेना, इम्पोर्टेंट है, कभी भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है इस तरह का। अगला क्वेश्चन है, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए किस वैज्ञानिक को वर्ष 2020 के इंदिरा गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वर्ष 2020 का इंदिरा गांधी पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में किसको दिया गया? ये दिया गया आर रामानुजम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध था? यह था भगत सिंह के खिलाफ। लाहौर षड्यंत्र आपको पता होना चाहिए, ये कब हुआ था? ये 1929 में हुआ था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, इन दोनों ने मिलकर जो विधानसभा है उस पर बम गिराया था। अगला क्वेश्चन है, प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम से किसे जाना जाता है? प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स, आसान सा क्वेश्चन है, किसको जाना जाता है जल्दी बताओ, कौन है ये? ये है वैन सांग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से द्रविड़ कजगम के संस्थापक कौन थे? ये एक पॉलिटिकल पार्टी है द्रविड़ कजगम, इसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर, ठीक है, ये तमिलनाडु का एक पॉलिटिकल पार्टी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जो चिकित्सक नहीं थे? अपने इतिहास में अगर देखोगे आप, तो इन चारों का नाम आपको मिलेगा, आपको बताना है कौन है जो चिकित्सक नहीं थे। तो ये हैं चारवाक, ठीक है, सुश्रुत, चरक और धन्वंतरी, ये सब चिकित्सक थे, लेकिन चारवाक जो है यह एक दार्शनिक थे, ठीक है, और भौतिकवादी थे, ये चिकित्सक नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के भौगोलिक मानचित्र कौन तैयार करता है? तो भारत के भौगोलिक मानचित्र को कौन तैयार करता है, ये किया जाता है भारतीय सर्वेक्षण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा में सुविख्यात पक्षी विहार कौन सा है? तीन चारों में से जल्दी बताओ, हरियाणा में कौन सा पक्षी विहार है, कौन सा है? तो ये आपका सुल्तानपुर, ठीक है। भरतपुर राजस्थान में है, राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में। सरिस्का कहाँ है? ये भी राजस्थान में है।
अगला क्वेश्चन है, आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? आकस्मिक बाढ़ का संबंध किससे है? यह चक्रवाती तूफान से। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित जोड़ों पर विचार कीजिए। तो एक साइड आपका दिया हुआ है सहायक नदी, दूसरा दिया हुआ है मुख्य नदी, तो आपको विचार करना है। चंबल, नर्मदा, सोन, सोना नहीं है ये सोन है, ठीक है, यमुना, मानस, ब्रह्मपुत्र, इसमें आपको बताना है कौन सा सही है। तो क्या चंबल नर्मदा की सहायक नदी है? गलत है। चंबल जो है यमुना की सहायक नदी है, ठीक है। सोन किसकी सहायक नदी है? यमुना की है, गलत है, ये गंगा की सहायक नदी है। मानस ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी, तो ये सही है आपका। तो यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा केवल 3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पशु रुधिराहारी है, यानी जो खून पे रहता है? तो कौन नहीं जानता ये, यह है आपका मच्छर, ठीक है, जो खून पे रहती है। अगला क्वेश्चन है, काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? क्यों होते हैं भाई, जल्दी बताओ। सफ़ेद कपड़ा ठंडक पहुंचाता है आपको, इसलिए बोला जाता है गर्मी में पहनो, क्योंकि उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वह परावर्तित कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट क्या है? जो बेसिक यूनिट है गुर्दा यानी किडनी का, यह क्या है? यह है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में त्वचा की सतह के नीचे मौजूद वसा किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? जो फैट है वह शरीर की उष्मा की क्षति को रोकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रुधिर कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसीज का जीवन काल लगभग 120 दिन होता है। अगला क्वेश्चन है, गर्भाशय यानी वुम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या यूज किया जाता है? तो गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द के रूप में यूट्रस का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? तो जो आपका प्राइमरी कलर है वही फोटोग्राफी में मुख्य रंग के रूप में कार्य किया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, लाल, नीला और हरा का। अगला क्वेश्चन है, अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस हमेशा आभासी यानी इमेजिनरी इमेज बनाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आकाश किस कारण से नीला दिखाई देता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, जब आप ऑप्शन पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा क्यों है अच्छा, क्योंकि अगर आपको आ भी रहा है फिर भी आप कंफ्यूज हो गए, ठीक है। तो आकाश का रंग नीला किसके कारण से होता है? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का परिकीर्णन के कारण, ठीक है। आपने अभी तक पढ़ा है परिकीर्णन के कारण होता है, लेकिन किसका परिकीर्णन? तो सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंग दैर्ध्य का परिकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा राज्य हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने वाला पहला राज्य बन गया? वो कौन सा राज्य है? वो राज्य है केरल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डॉस का पूर्ण रूप क्या होता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। आपका सही आंसर सी हो जाएगा, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने YSR रैतु भरोसा PM किसान योजना शुरू किया है? YSR रैतु भरोसा PM किसान योजना ये शुरू किया गया है आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा, ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी हैं जगमोहन रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, भाप अंगार गैस किसका मिश्रण होता है? भाप अंगार गैस किसका मिश्रण है? यह कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का, इसको हम लोग वाटर गैस के नाम से जानते हैं, ठीक है। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का। अगला क्वेश्चन है, पीतल किससे बनता है? पीताजी, तांबा और जिंक, आसान सा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस कारण से लोहे में जंग लग जाता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूज किया जा सकता है, जल्दी से ऑप्शंस पढ़ो और आंसर दो, क्या होगा आपका सही आंसर? तो आपका सही आंसर जो यहाँ पे होगा, देखो, ऑक्सीकरण, अपचयन, ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद है CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो आपका सही आंसर जो है वो हो जाएगा 2 और 3, ठीक है। अपचयन यानी रिडक्शन इसमें होता है, ठीक है, या रिडॉक्स रिएक्शन है, ठीक है, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन के साथ यह रिएक्ट करता है, ये दोनों आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम अग्नि के लिए कौन से प्रकार का अग्निशामक प्रयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के अग्निशामक को हम लोग यूज करते हैं पेट्रोलियम अग्नि में? ये जनरली जो हम लोग करते हैं वो है पाउडर प्रकार का, ठीक है। इसमें आप
कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी प्रयोग करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है किस प्रकार का हम लोग जनरली यूज़ करते हैं, तो पाउडर प्रकार का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलजल उपचार के मंथन टैंक का कार्य किससे किसे निकालता है, किसे निकालना है, जो मलजल यानी जो भी गंदगी वाला जल है उसमें एक मंथन टैंक होता है, ठीक है। वहाँ पर क्या होता है, वो मंथन के कारण तेल और वसीय पदार्थ जो है वह अलग हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है। जल नीति ड्राफ्ट समिति का चेयरमैन किसको नियुक्त किया गया है, ये किया गया है डॉक्टर मिहिर शाह को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस लेफ्टिनेंट जनरल को एक बार फिर भारत का महासर्वेक्षक नियुक्त किया गया है। तो भारत के महासर्वेक्षक नियुक्त एक बार फिर से कौन हुए हैं, जल्दी बताओ ये कौन है, ये हैं गिरीश कुमार, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ काम करने वाले व्यक्तियों को ब्लैक लंग रोग हो जाता है, ब्लैक लंग रोग, ठीक है। दो क्वेश्चन आता है, व्हाइट लंग रोग और ब्लैक लंग रोग। तो ब्लैक लंग रोग ये हो जाता है कोयला खान में, और व्हाइट लंग रोग ये सीमेंट इंडस्ट्रीज या एस्बेस्टस इंडस्ट्रीज में काम करने वाले वर्करों को हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मेल कीजिए, एक साइड आपको दिया हुआ है कुछ डांसेस वगैरह, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और ओडिसी, दूसरा साइड आपको राज दिया हुआ है, आपको सही मैच करना है, जल्दी से मैच करो। आसान सा क्वेश्चन है, तो भरतनाट्यम यह है तमिलनाडु का, कुचिपुड़ी यह है आंध्र प्रदेश का, कथकली यह है केरल का और ओडिसी है ओडिशा का, ठीक है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला परमाणु युक्ति विस्फोट किस राज्य में किया गया था, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी बताओ किस राज्य में किया गया था, यह किया गया था राजस्थान में, ठीक है, राजस्थान के पोखरण में 1975 में पहला विस्फोट किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस नगर को भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं, ये कहते हैं बेंगलुरु को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसका सही मेल नहीं है, सोमदेव देववर्मन बैडमिंटन, गगन नारंग निशानेबाजी, अर्जुन अटवाल गोल्फ, अनिता सूद तैराकी, बताओ इसमें सही मेल किसका नहीं है। तो यहाँ पे आपका गलत मैच कौन सा है, ये है सोमदेव देववर्मन, ये बैडमिंटन प्लेयर नहीं है बल्कि ये टेनिस प्लेयर है, ठीक है। तो आपका सही आंसर ए हो जाएगा, रेस सभी आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हाल ही में कोपा अमेरिका 2019 फाइनल जीता, कोपा अमेरिका 2019 का फाइनल किसके द्वारा जीता गया, ये जीता गया ब्राजील के द्वारा, ठीक है, और इस बार आयोजित भी ब्राजील में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस नगर के निकट पालीतन मंदिर स्थित है, तो पालीतन मंदिर ये भावनगर गुजरात के निकट स्थित है, ठीक है। ये पालीतन मंदिर किस धर्म से संबंधित है, ये भी आपसे पूछा जाता है, तो यह जैन धर्म से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के ऐसे प्रथम राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी, वो कौन से भारतीय राष्ट्रपति थे, सबसे जांबाज राष्ट्रपति आपके नज़र में कौन है, जल्दी बताओ कौन थे ये, बिल्कुल सही, ये थे APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नासा के किससे संबंधित मिशन का नाम जूनो है, जूनो मिशन जो है वह किस ग्रह से संबंधित है, संबंधित था, ये किस ग्रह से था, यह था बृहस्पति से संबंधित, क्लियर है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता कौन है, तो विश्व का पहला सबसे बड़ा ऊर्जा उपभोक्ता है अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले टीवी की नई दवा माइलन प्रीटोमेनिड किस देश में मिलेगी, ये जो माइलन प्रीटोमेनिड है आपसे पूछा जा सकता है, यह किस चीज का दवाई है, तो यह टीवी का दवाई है और इसको विकसित किया गया है अमेरिका में, इसलिए सबसे पहले आपको अमेरिका में ही मिलेगा, ठीक है। ओके गाइस, तो ये था आज का आपका टॉप नेट क्वेश्चंस, आई होप कि आपने सेट एंजॉय किया, ठीक है। अगर एंजॉय किया और अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो एक लाइक कर दो यार, और अपने फ्रेंड्स के साथ जिसके साथ आपने शेयर नहीं किया, शेयर करने में कंजूसी मत करो, सबके साथ शेयर करो, ठीक है। और जिस किसी को पता नहीं है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि पर डे हम लोग 8:30 बजे लाइव इस टेस्ट को देते हैं, तो आप लोग सभी 8:30 बजे आ जाया करो, ठीक है। चलिए फिर से मिलते हैं कल अगले सेट में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।